हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक माइंड पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हुआ हूँ। तो मेरा ये वीडियो रहेगा दोस्तों कि हम लोग यूट्यूब चैनल बनाने के बाद में अपने इस चैनल को वेरीफाई कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरुआत करना चाहूँगा और साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि जो नए व्यूअर होंगे वो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, और पुराने जो व्यूअर है दोस्तों मेरे वो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको जो नोटिफिकेशन है वो जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि जो नए यूट्यूबर है, ये जो भी यूट्यूबर है जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए, जो चैनल को अपने वेरीफाई नहीं कर पाए हो, कैसे वेरीफाई करते हैं, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हुआ हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को कोई भी सर्च ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, जैसे कि इसके लिए गूगल क्रोम पे जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि इस पर डेस्क, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देता है। अब यहाँ पर से जाने के बाद में ये देखिएगा कि सबसे ऊपर जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक कर पहले इस पर सर्च कर लीजिए कि youtube.com। ओके, जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर से गो पे क्लिक कर लीजिए कि youtube.com। अब यहाँ पर से देखिए, जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा, तो पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पर से सबसे ऊपर देखिएगा थ्री डॉट दिखा रहा है, इस पे हम लोगों को क्लिक करना रहेगा। तो इस थ्री डॉट पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये जो है यहीं पर हम लोगों को क्लिक करना रहेगा। ठीक है, तो इस पर चलिए क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर से देखिए, सबसे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे इसको, तो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये जो है ये डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, तो हम लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है। ये जो कॉर्नर स्क्वायर टाइप बना हुआ है इस पर, तो चलिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों, ये डेस्कटॉप मोड पर ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड ओपन होने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिएगा। और यहाँ पर से ये जो चैनल दिखा रहा होगा, ये देखिए इस पे जो चैनल का लोगो दिखा रहा है ये आ गया। इसी को हम लोगों को पहले इसको लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप लॉगिन नहीं किए होंगे तो लॉगिन करना है। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोगों को क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा, अब बहुत सारे ऑप्शन आने लगेंगे, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है ये मैं बताने वाला हूँ। इसमें से दोस्तों आप लोगों को जो चूज़ करना है ये रहेगा, यूअर चैनल पे क्लिक कर लीजिएगा। चैनल पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, ये पेज आ जाएगा। इस पर देखिएगा, कस्टमाइज चैनल और यूट्यूब स्टूडियो दिखा रहा है। तो ये वाला अगर चैनल ओपन हो गया है, ये पेज ओपन हो गया है, तो ये सही है। इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिएगा एक तीन जो डॉट टाइप दिखा रहा है ये वाले पोर्शन पे, ये जो है हम लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इस पर क्लिक करना रहेगा, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये जैसे क्लिक हो जाएगा, इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से वो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाने लगे हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बड़ा ये नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर से क्या करना है इसको, इस पर सेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा होगा। सबसे ऊपर से आप देखेंगे होम, ट्रेडिंग, सब्सक्रिप्शन, लाइब्रेरी, हिस्ट्री करके आ रहा होगा। यहाँ पर से देखने से पता चलेगा, यहाँ पर देखिएगा एक सेटिंग का ऑप्शन जो है, यहाँ पर से सेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस पे हम लोगों को क्लिक कर लेना है इस सेटिंग के ऑप्शन पे। इसके बाद में ये पेज ओपन होगा, इस पे देखिएगा ऐसा इंटरफेस है जिस पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर से ये ऑप्शन दिखा रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा क्या क्या दिखा रहा है ये मैं बता देता हूँ, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स, व्यू एडवांस सेटिंग, एड और मैनेज योर चैनल। तो हमको चैनल स्टेटस पे जाना है, ये जो चैनल स्टेटस है ऊपर वाले इस पे जाना रहेगा, इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये सारा चीज़ें ओपन हो गया है। यहाँ पर स्टेटस एंड फीचर्स पे ही दिया हुआ है, देखिए मेरे चैनल CGIQ स्टडी है, इस पर वेरीफाई का ऑप्शन जो है ये दिखाने लगा है। तो ये इसी पे हम लोगों को वेरीफाई है जो ब्लू वाला दिख रहा है, इस पर करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और इसके नीचे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, जब मोनेटाइजेशन वगैरह का ऑप्शन जो है ये सारा यहाँ पर दिखा रहा है, जब भी मोनेटाइजेशन का जब समय आएगा तो यहाँ मोनेटाइजेशन करना रहेगा चैनल को। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ वेरीफाई पे। तो वेरीफाई जैसे क्लिक करने के बाद एक और इंटरफेस ओपन होगा,
ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर से देखिएगा, यहाँ सेलेक्ट योर कंट्री दिखा रहे हैं, तो इसको मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हाउ शुड वी डिलीवर द वेरिफिकेशन कोड फॉर यू दिखा रहा है। यहाँ पर से हम लोगों को ये करना है कि अब कैसे लेना चाहेंगे, इसको कॉल के थ्रू या फिर टेक्स मी द वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर से हम लोगों को टेक्स पे ही क्लिक करना रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा है कि, तो यहाँ पर टेक्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से देखिए मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर फ़ोन नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर से हम लोगों को फ़ोन नंबर जो भी रहेगा वो डाल देना है। ये फ़ोन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, तो इस सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो इंटरव्यूअर 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड दिखा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर से जो 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड है इसको यहाँ पर डाल के फिर यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो कोड है वो डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर से सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन आ गया है कि वेरीफाइड, कांग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड दिखा रहा है। मतलब ये कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग यहाँ थंबनेल डाल सकते हैं और जो है सारे डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि थंबनेल एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों कि आपके यूट्यूब वीडियो को सर्च करने के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल करता है। इसलिए अच्छा एक थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल भी बनाना रहता है, जिसका लिंक मैं अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया, प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाया, उसका भी वीडियो नीचे दिया हुआ हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप उस पर भी क्लिक करके, और या यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप क्लिक करके यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। उसकी सेटिंग भी वीडियो डाला हूँ, ये सारा चीज़ डाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो जो है कुछ ही समय में आपको बता दिया कि चैनल को वेरीफाई कैसे करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। और इसके साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।